शहरी विकास मंत्री जी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू यूडी रजनी जी का, एडवाइजर टू सीएम बत्ता जी का, सभी मेयर्स, प्रेसिडेंट्स, काउंसलर्स, ईओस, जितने भी अन्य अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू यूडी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ी रोशनी डाले कि जो हमारे ये जो यूएलबीज हैं, इन्होंने इस कोविड की महामारी के दौरान कितने क्या कंट्रीब्यूट किया और कैसे कंट्रीब्यूट किया है। प्लीज सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, शहरी विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी स्थानीय शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा हमारे कार्यकारी अधिकारीगण, आप सभी का इस बैठक में स्वागत है। और आज की बैठक जो है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि अभी कुछ सप्ताह पहले इन्होंने जो है बैठक करी थी, उसी श्रृंखला में आज दूसरी बैठक हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके साथ की जा रही है। आज की बैठक के जो मुख्य बिंदु हैं, वो पिछली बैठक को आगे ले जाते हुए उन्हीं मुद्दों में और जो नई चीजें हैं उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। जहां तक शहरी विकास विभाग का दायित्व है, सर मैं ये बताना चाहूंगा सर कि जो पिछले साल की फर्स्ट वेव थी, उसमें जहां प्रदेश के सभी इकाइयों ने अपना योगदान दिया, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना योगदान दिया, उसी तरह से शहरी विकास विभाग ने भी अपना कारगर भूमिका इसमें निभाई। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे इलाके हैं, जहाँ या दुर्गम जो इलाके भी हैं अर्बन एरियाज के अंदर, वहां पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने पिछली जब वेव थी और इस बार भी वो अपनी ड्यूटीज उन्होंने जो है वो निभाई, बखूबी अपनी ड्यूटीज को निभाया। और सर हमने ये इंश्योर किया है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है वो 100% रहे, हमारे सभी वार्ड्स के अंदर जो है 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है वो किया जा रहा है। और एक फ्रंटल वर्कर्स के रूप में हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो प्रदेश भर में उभर कर आए हैं सर। और इसी के साथ सर एक काम जो हम कर रहे हैं, जो पिछली बैठक में आपने हमें निर्देश दिए थे, हमारे जितनी भी स्थानीय शहरी निकाय हैं उसमें सर वार्ड वाइज हम डिसइंफेक्शन का जो मुहिम है सर, इसके ऊपर बहुत फोकस्ड रूप में चले हैं सर। डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास रिपोर्ट आती है और डायरेक्टरेट लेवल पर हम जो है उस रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किस यूएलबी में कहां कहां कितना हुआ है, और उसके अलावा वार्ड वाइज जो हमारा डिसइंफेक्शन या स्प्रे वगैरह जो होनी थी उसकी परिस्थिति क्या है। मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है सर कि सभी यूएलबीज आपके निर्देश के अनुसार सभी जो हमारे वार्ड्स हैं उसको डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डे के ऊपर जो है वार्ड्स के अंदर जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर थोड़ा लोगों का आवाजाही ज्यादा होती है, वहां पर डिसइंफेक्शन जो है वो मुहिम एक हमारे यहाँ से चली हुई है। सर इसके अलावा कोविड के दौरान लोगों से संपर्क साधना, पिछली बार आपने एक निर्देश दिया था सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को कि मान लीजिए किसी घर में अगर कोविड होता है और इसका जो है वो उपचार जो है आप एक टच रखें और उन लोगों को जितनी सहायता हो सकती है वो की जाए। तो सर इसके अंदर हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन आपकी डायरेक्शंस के अनुसार वो लोग जब भी कोविड का कोई केस आता है उनके वार्ड में या अर्बन बॉडी में तो उसके साथ उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर सर हमारे निर्देश हमारे कार्यकारी अधिकारियों को ये हैं कि जो आदेश हैं उसके अलावा अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं किसी परिवार के लिए वो सब हमें करना चाहिए और ये करने का प्रयास भी चल रहा है सर। इसके अलावा सर एक बात जो और उठ के है वो ये कि अब कोविड की जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से थोड़ी ज्यादा विरुलेंट है, इसके अंदर जो है इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके अंदर जो है जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है वो भी पिछले जो वेव थी उससे ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है लाइवलीहुड, आजीविका, कि शहरी क्षेत्र में जो लोग आजीविका से टूट गए हैं या जिनके पास आजीविका का साधन नहीं रहा है, क्या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो सर पिछली बार अपने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक चलाई थी सर, जिसका बेसिक पर्पस यही था कि एक लाइवलीहुड का कुशन और एक अर्बन सेफ्टी नेट हम जो है क्रिएट करें। और पिछली बार 120 दिन का रोजगार हम गारंटी देते हैं सर अगर कोई करना चाहे। और हमारा ये अनुरोध है सभी हमारी स्थानीय शहरी निकायों से, चुने हुए प्रतिनिधियों से और हमारे कार्यकारी अधिकारियों से कि इस योजना का
ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी की आजीविका का किसी के ऊपर अगर मान लीजिए कोई इशू है तो उसको इस योजना के अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। और एक ये एक काफी आपके पास फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा सर ब्रॉडली जो है इस बार जो सेकंड वेव के अंदर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनको हमारी तरफ से निर्देश है कि वो इसमें इस मुहिम में अपना पूरा पूरा योगदान दे। एक और बात सर, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, वो ये कि इस वेव में हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी जुड़े हैं सर, पिछली बार आपने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया था कि अगर किसी की किसी कारणवश कोविड में ड्यूटी पे रहते हुए कोविड से अगर मान लीजिए उसकी जान चली जाती है तो उसको हम अपनी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें कवर करते हैं सर। इसके अलावा सर हम जो है आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सर, फ्रंटल वर्कर्स हैं ये हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के, इनको सर अगर कुछ इंसेंटिव हम दे सकें सर, अप्रैल मई और जून 3 महीने के लिए अगर हम इन्हें कोई इंसेंटिव दे सके तो इसमें हमारे जो लोग हैं उनको और मेहनत से वो अपना योगदान जो है वो इस मुहिम में दे पाएंगे। इसी के साथ सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहरी विकास विभाग की तरफ से पहले उनको लो जो कुछ भी बात नहीं की। थोड़ा स्क्रीन ठीक करो पार्वला। सर फिर पहले उनको ले जो नई बनी है सर नगर पंचायत। नगर पंचायत कंडाघाट जुड़ी हुई है, अगर नगर पंचायत कंडाघाट जुड़ी हुई है तो वो फिर अपना माइक ऑन करें। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सबको, नमस्कार। हाँ 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 नमस्कार, ठीक है सब लोग? हाँ जी ठीक है सर। हाँ कैसे चल रहा है बताइए आप, आपके कंडा घाट में? जी कंडा घाट में हमारे 50 केस एक्टिव है सर। कितने केस है टोटल? 50 सर। 50 हैं? हाँ जी। और 50 में से? हाँ जी दोनों। ठीक है, हॉस्पिटल में ये सब लोग हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में है? होम आइसोलेशन है सर। होम आइसोलेशन में कितने हैं? और दो लोगों की सर मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ओ अच्छा, दो लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाँ जी, और इनमें दो लोग सर MMU में एडमिट है। तो आप लोगों ने वहां पर उनके परिवार वालों के साथ थोड़ा संपर्क किया, जाकर के थोड़ी बातचीत भी की? हाँ जी सर, सबसे की घर में जाकर अगर जिसको उनको जो भी जरूरत थी सर हमने उनसे बात की, जिस चीज की जरूरत थी हमने उनको घर तक सामान सारा पहुंचाया है और उनके घर के पास सैनिटाइज किया आज सारा। सैनिटाइज किया, घर में जाकर के पूछा है घर में किसी चीज की जरूरत? हाँ जी, और फोन भी कर रहे सर, रोज फोन भी कर रहे हैं। हाँ जी चलो, जहाँ इनकी दो दो लोगों की मृत्यु हुई इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया? वहीं? हाँ जी, एक एक का तो सर शिमला में ही हुआ, शिमला हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। अच्छा, हॉस्पिटल शिमला में डेथ हुई तो यही हुआ होगा। दूसरा? हाँ जी, दूसरा तो यही कंडा घाट में सर, उनको 6 लोगों को किट प्रोवाइड की थी और सैनिटाइज कैसे किया? पीपी किट दी थी? हाँ जी, पीपी किट दी थी जी, 6 लोगों को। फिर 6 लोगों को? हाँ जी। ये 6 लोग कौन थे जी? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी? हाँ जी। तो उन लोगों ने किया ये सारा? हाँ जी। ठीक है, शहरी आजीविका रोजगार योजना, रोजगार योजना के तहत हमने 3-4 कर्मचारी रखे हैं सर और ये अच्छा। सैनिटाइजर का काम करवा रहे हैं। अच्छा, और सैनिटाइज करा रहे हैं? हाँ जी, डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जी। अच्छा, डोर टू डोर जो है कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? हाँ जी। ठीक है ठीक है, चलो। ऑफिस मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं सर, ऑफिस तो अभी नहीं मिला है। तो कहाँ कर रहे हैं अब? मिनी सचिवालय में जी,
कहीं तो बैठे हुए हैं आप कहीं? हाँ जी कहीं तो बैठे होंगे आप? नहीं सर कहीं भी नहीं अभी तो ऑफिस। अच्छा चलो अभी ऑफिस नहीं मिला आपको? हाँ जी। चलो मंत्री जी सुन रहे हैं आपकी बात को थोड़ा। और वहाँ एक बात हुई थी कि वो जो पंचायत भवन है उसमें आप करिए ना तब तक लिए। सर दे नहीं रहे, वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। हाँ जी सर अभी टेम्परेली उनसे बात हुई थी, टेम्परेरी तौर पर उनको दे दे जब तक ये यहाँ से होता है। आरडी से हमारी बात हो गई है सर, जो है डीसी को पंचायत के एसेट्स है वो उनको दे दे, उसमें अलग से कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। वो जो पंचायत के एसेट्स है वो सब इसको दोबारा फॉलो अप कर लो आप एक बार, आज बात कर ले। तो आज एक बार दोबारा फॉलो अप कर लीजिए। सोलर वाले भी वही बैठे सर, उनसे बात कर लें। अच्छा सोलर वाले भी वही बैठे हैं? हाँ जी सर। नमस्कार सर। सोलर वालों को भी भाई नमस्कार। और ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है। क्या चल रहा है सोलर में सर? कितने का केसेज है आपके आपके कॉर्पोरेशन के, कॉर्पोरेशन में कितने का केसेज है सर? 442 केस हैं, जो रेड के हैं वो 327 हैं, आरटीपीसीआर के जो हैं वो 115 केस हैं। टोटल एक्टिव केस चाहे आरटीपीसीआर के हैं चाहे वो दूसरे रेड के हैं, 442 केस। हाँ जी। तो सर जो पॉजिटिव केस हैं हम वार्ड वाइज जो हमारे पास लिस्ट आती है, सभी काउंसलर बड़े जागरूक हैं, वो हमने रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं, डायरेक्ट जो है पॉजिटिव केसों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि अगर किसी चीज की जरूरत है, मेडिसिन है, राशन है या कोई भी चीज की उनको जरूरत है, तो हम उनसे पूछ के उनके घर तक पहुंचा रहे हैं और सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं। और हमने शहर को भी सैनिटाइजेशन करवाया है, वार्ड में हमने सीएलसी के थ्रू जो है 17 एम्प्लाइज रखे हैं, 17 स्प्रे की मशीनें ली हैं, और वार्ड वाइज जो है वार्ड पार्षद की निगरानी में जो वो सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, जहां पॉजिटिव केस हैं वहां भी, और जहां लोगों की डिमांड आ रही है वो डेली जो है सैनिटाइजेशन वार्ड वाइज हो रहा है। सैनिटाइज कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छी बात है, लेकिन उसमें सैनिटाइज करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि हम सड़कों को सैनिटाइज करना शुरू कर देते हैं, गलियों को करना देते हैं, जो उसको खाली कर करना, उसमें उसका लाभ नहीं है सर। सड़कों पे है ये जहाँ हाथ से और इससे कांटेक्ट में आता है, जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा है, उस इलाके में सैनिटाइज करने का लाभ है। कोई एक्टिव केस है, किसी घर में एक्टिव केस है, उस घर में जाकर के जो है उसको सैनिटाइज करना, उसके इर्द गिर्द सैनिटाइज करना, वो उसका एक लाभ है। लेकिन ज्यादा जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, उसको सैनिटाइज करना वो ज्यादा जरूरी है सर। इसी उस पे करवा रहे हैं, जैसे मार्केट में शटर का है, जहाँ शटर पे हाथ लगते हैं वहां करवा रहे हैं सर, सड़क पे नहीं करवा रहे, शटर पे करवा रहे हैं, जैसे रेलिंग लगी हुई है वहां पे करवा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। गेट्स हैं घर के, उन पे करवा रहे हैं, सीढ़ियों में जहाँ से लोग डेली आना जाना है वहाँ करवा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर। सोलर में नमस्कार सर। हाँ जी हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है जी, कुलभूषण जी। हाँ जी 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 जी। कहाँ कुलभूषण जी? सर यहाँ पर ना जी टेस्टिंग का बहुत पुअर है जी सिस्टम, बहुत स्लो सिस्टम है और लोगों को बहुत क्राउड में रहना पड़ता है सर। और यहाँ पर अगर मेरा सुझाव है, अगर प्राइवेट लैब को भी अथोराइज कर दिया सर, उसकी चार्जेस फिक्स कर दिया है, और अच्छा घर से भी अगर वो ले ले जी सैंपल, कई लोग जो चल नहीं सकते, दूर होते हैं या रोड साइड पर नहीं होते, अगर उनके घर से भी कोई सैंपल की व्यवस्था हो जाए, चार्जेस ले ले बेशक से, लोग पैसा देने को तैयार हैं सर, सुविधा उनको अच्छा, उनके पास नहीं है सर आने जाने की, बड़ी प्रॉब्लम है जी उनको जी। तो सर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे तो जी। चलो ठीक है, सुझाव दे रखा आपने, अच्छा सुझाव है ये, इस तरह से सोचते हैं जरा क्या हो सकता है। सर नमस्कार जी। सर एक थोड़ी सोलर में ये प्रॉब्लम है। सर मैं शैलेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ जी। सर एक मैंने आपके ध्यान में एक विषय लाना था, ये जो आपने 2 साल पहले हॉस्पिटल को चंबाघाट साइड शिफ्ट करने की प्रपोजल रखी थी, उसको थोड़ा सा तेजी आए, उसका कारण यह है कि ये कोविड के दिनों में ये जो मॉर्चरी है और हॉस्पिटल में जो इन्फेक्टेड केसेस आते हैं, ये बिल्कुल हॉस्पिटल
हमारा रेजिडेंशियल एरिया और हॉस्पिटल बिल्कुल साथ साथ है, और इवन मोर्चरी में तो 10 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। अब वो क्या करते हैं जी, मोर्चरी में एग्जॉस्ट फैन चला लेते हैं और अंदर कोविड केसेस अंदर वो हैं, बॉडी पड़ी हुई है और बाहर एग्जॉस्ट, और सारे लोगों के बीच में पैनिक रहता है वहां के रेजिडेंशियल। तो मेरे आपसे निवेदन ये है कि जो हमारी प्रपोजल है हॉस्पिटल बनाने की चंबा घाट साइड, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेजी लाई जाए और ताकि जो ये शहर के बीच में से ये हॉस्पिटल बाहर जा सके, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सर एक थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि सर सोलन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो थोड़ी लोगों को कम मिल रही है। अब लोग जो फोन पे कॉन्टेक्ट करते हैं 108 को, तो सर एक एक घंटा वो कॉन्टेक्ट करते वो फोन नहीं उठाते। तो ऐसे पीछे थोड़ा केस हुआ था वार्ड नंबर 1 से, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा था, वो एक घंटे से ट्राई कर रहे थे तो एम्बुलेंस फोन नहीं उठाया। फिर मैंने SDM साहब को फोन किया तो उन्होंने मुझे प्राइवेट गाड़ी का नंबर दिया, तब मैंने वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में पहुंचाए। तो थोड़ा सा ये है कि जो एम्बुलेंस को 108 को निर्देश दिए जाए कि जैसे पेशेंट के फोन आते हैं वो फोन जरूर उठाएं। ठीक है, हाँ जी, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है तो ठीक है, मेरा आप सबसे यही एक बात को लेकर के आग्रह है कि अपनी अपनी वार्ड में आप सुनिश्चित करें जितने भी हमारे कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में है, चाहे वो घर में है, अगर बात करने की स्थिति में है, कठिनाई नहीं आ रही उनको, तो कभी कभी उनको सुबह शाम कभी बात कर ली, पूछ लिया, तबीयत भी पूछ ली, और तबीयत पूछने के साथ साथ में इस बात को भी आप सुनिश्चित करें कि भाई अगर परिवार में कोई किसी तरह की मदद की जरूरत है तो वो मदद भी आप करने की कोशिश करें। दूसरी जो बात मुझे आपके बीच में ये भी जरूर कहनी है कि इस बात को भी थोड़ा आप देखें, जब कभी वैसे तो इस तरह की स्थिति ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आ रही है कि कोविड पेशेंट घर में है और घर में उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है, तो बाहर जो है उनको फ्यूनरल के लिए जो है अंतिम संस्कार के ले जाने में कठिनाई आती है, लोग आगे नहीं आते हैं, ऐसे में आप लोग थोड़ा मदद करें। मदद कहने का मतलब है वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी आगे आकर के काम कर सकते हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दूसरे सब लोग जो है मिलकर के कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के भी, फिर भी उसके बावजूद आप लोगों का एक अपने अपने वार्ड में एक स्थान होता है क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में उस संकट की घड़ी में खड़े होना परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बड़ा हौसला होता है, तो उसमें आप सुनिश्चित करें कि इस तरह की भी मदद बीच में जितनी हो सकती है वो करें, है ना जी। सर, सर कोविड से हटके थोड़ा मैं एक बात करना चाहती हूँ। सर अभी तक हमारी यहाँ शपथ नहीं हुई है, एक महीने का पीरियड हो चुका है, तो सर हमारे जो मीटिंग हम कॉल नहीं कर सकते, पब्लिक के काम रुके हुए हैं। तो शब्द के कारण काम थोड़े रुकते हैं आपका। सर ऑफिशियल वर्क जो है हम मीटिंग के बिना कैसे कर सकते हैं सर? मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं उनके जो एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं और जो रूल्स में प्रोविजन है, म्युनिसिपल काउंसिल में आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जब कोई प्रधान चुने जाते हैं या उप प्रधान चुने जाते हैं तो उनकी शपथ होती है, तो इसलिए आप सोलन जो है वो पहले काउंसिल रही थी, तो काउंसिल के अंदर लोग जो है जब चुने गए थे तो उस समय उनकी शपथ हुई थी, परंतु कॉरपोरेशन जो है कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर शपथ का प्रावधान नहीं है। आपने एज काउंसलर जो है पहले जो शपथ ले ली है वो शपथ जो है वो सफिशिएंट है आपको अपना काम डिस्चार्ज करने के लिए, तो आप देखिए तो शपथ की आपको यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप कॉर्पोरेशन हो गए। ये एक्ट में तो सर मेयर की मेयर की शपथ में कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज के बारे में। देखिए मैं कह रहा है कि जब आप काउंसिल में है प्रधान चुने जाते हैं तो उस समय आप उस परफॉर्मा के हिसाब से शपथ लेंगे, कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उसके अंदर इस चीज का कोई बाध्य नहीं है, आपकी शपथ जो है वो एज काउंसलर ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप इसमें जो है कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। तो सोलन मंडी धर्मशाला बाकी जितनी भी हमारी काउंसिल है वहां पर इसी तरह से ही जो है हमारे मेयर्स काम कर रहे हैं। आप काम करिए, अपना काम करिए, और सबके चक्कर में ज्यादा व्यतीत मत करिए।